टेट सी टेट के लिए, टेट सी टेट मैथमेटिक्स के लिए नेक्स्ट वीडियोस है, वीडियो नंबर 60। चैप्टर हम चालू कर रहे हैं एंगल्स एंड द पैरेलल लाइंस। एंगल एंड पैरेलल लाइंस, एंगल के टाइप्स क्या होता है? एक अंश इक्वल टू होता है 60 डिग्री, ये अंश कहलाता है। एंड एक डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। और एक कंप्लीट जो रोटेशन होता है, इन ए कंप्लीट रोटेशन में एंगल बनता है 360 अंश, यानी 360 अंश का कोण बनता है। एक्यूट एंगल क्या होता है? ACUT, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। एक्यूट एंगल क्या होगा? न्यून कोण, यानी कि जिसका मान 90 अंश से कम हो। एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। न्यून कोण होता है लेस देन 90, 90 अंश से छोटा, 90 अंश से छोटे कोण को एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण कहा जाता है। एक होता है राइट एंगल। राइट एंगल हिंदी में बोले तो समकोण। समकोण ये 90 अंश के कोण को समकोण या राइट एंगल कहा जाता है। समकोण या राइट एंगल। दूसरा होता है ओब्टूस। ओब्टूस एंगल अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण वह होता है 90 अंश से बड़ा होता है। अधिक कोण 90 अंश से बड़े कोण को अधिक कोण कहते हैं। 90 अंश से बड़ा कोण अधिक कोण, ठीक है। तो 90 डिग्री से ज़्यादा का कोण होता है वो ऑब्ट्यूस एंगल या अधिक कोण कहलाता है। दूसरा होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल या रिजुरेखीय कोण। रिजुरेखीय कोण ये होता है स्ट्रेट एंगल यानी कि 180 का। एक होता है रिफ्लेक्शन एंगल। एडजेसेंट एंगल जो बनता है दो एंगलों के बीच में बनता है वो एडजेसेंट एंगल कहलाता है। होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण इसको कहते हैं। हिंदी में पूरक कोण वे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो, ये पूरक कोण कहलाते हैं। नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री में 90 होता है, सॉरी, जिनका योग 90 अंश हो वो, जिनका सम 90 अंश हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। यानी कि टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इफ द सम ऑफ दिस मेजरमेंट इज 90। या ईच ऑफ द एंगल इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ अदर, यानी कि एक एंगल दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। जैसे 30 + 60 = 90 है, 30 इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 एंड 60 इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30। एक दूसरे के ये पूरक कोण कहलाते हैं। पूरक को हिंदी में कोटि पूरक भी कहते हैं। पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री। दूसरा होता है सप्लीमेंट्री एंगल। हिंदी में इसको बोलते हैं समपूरक कोण। समपूरक कोण जिन दो एंगलों का सम 180 होता है वो समपूरक कोण कहलाते हैं। जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है वो समपूरक कोण कहलाते हैं। टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ द सम ऑफ देयर मेजरमेंट इज 180। सम ऑफ द मेजरमेंट इज 180। एक पॉइंट में जो एंगल बनते हैं उनका जितने भी एंगल्स होंगे उनका सबका सम, माने अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा, इनका सबका सम किसी पॉइंट पर बनने वाले सभी एंगलों का सम 360 होता है। उनको अगर ऐड किया जाए तो वो क्या होते हैं 360 अंश का कोण बनाते हैं। इसका वर्टिकल, वर्टिकली अपोजिट, अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल या ये एंगल है, ये सी एंगल है, ये मान लिया बी एंगल है, ये एंगल डी एंगल है, तो ये एंगल
बी तो डी के बराबर होता है, ए सी के बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और हिंदी में कहेंगे शीर्षा विमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण, यानी कि एक दूसरे के शीर्ष होकर सामने के वाले जो कोण होते हैं शीर्षा विमुख कोण कहलाते हैं जी, जो आपके इक्वल हुआ करते हैं। उसके बाद हम इस पर थोड़े से क्वेश्चन लेना चाह रहे हैं। प्रॉपर्टी एक पॉइंट पर है, एक पॉइंट पर जो टोटल सम होता है वो बने 360 होता है, पॉइंट पर 5 ये एंगल 65 है, ये एंगल x है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू लेना है। देखिएगा ये स्ट्रेट लाइन है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो नीचे का जो एंगल होगा वो 180 होगा, ठीक है, तो ऊपर ऊपर वाले ये भी 180 होने चाहिए, इनका सम भी, यानी कि x प्लस का 65 प्लस 2x माइनस का 5 इक्वल टू 180, ये भी 180 होना चाहिए। तो होगा 3x प्लस ये हो जाए 60 इक्वल टू 180, तो 3x इक्वल टू 180 माइनस 60 यानी कि 120, और x इक्वल टू 40, 40 अंश आ जाएगा, x का मान 40 अंश आ जाएगा, ठीक है। स्पीड पॉइंट और एक दो क्वेश्चन इसको लगा दें। एक शीर्ष अभिमुख वाले पे ले रहे हैं, ये दिया है x, y, z एंड 52, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। देखिएगा अभी बताया था वर्टिकल अपोजिट एंगल या शीर्ष अभिमुख कोण में ये आमने सामने के बराबर थे, यानी कि x इक्वल टू z होगा एंड y इक्वल टू 52 होगा, ये 52 हो गया, ये इक्वल टू 30। उसके बाद कोई स्ट्रेट लाइन पकड़ ले, स्ट्रेट लाइन सीधी सीधी, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, किसी स्ट्रेट लाइन के दोनों का जो सम है वो 180 होगा, ये x प्लस का 52 भी 180 होगा, y प्लस z भी 180 होगा, यानी x प्लस का 52 इक्वल टू 180 होगा। स्ट्रेट लाइन का नाम दे देंगे LM, रेखा LM में, या कहेंगे स्ट्रेट लाइन LM, एट द स्ट्रेट लाइन LM, यानी ये प्लस ये 180, तो x का वैल्यू हमको माननी है 180 माइनस का 52, 180 में से 52 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 180 52 या हो गया 8 7 9 1 128 आया, यानी x भी 128 आएगा और z भी 128 आएगा, फिर आमने सामने के इक्वल एंगल हो जाएंगे। एक क्वेश्चन से क्वेश्चन इसमें बहुत बन गए, ऐसी बात नहीं है, एंगल्स रह गया है, काफ़ी चीज़ें बाकी हैं मैथमेटिक्स में, धीरे धीरे सब है। 4x माइनस का 15, ये एंगल 90 दिया है, ये एंगल x है, ये एंगल 25 है, ये एंगल 85 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो टोटल एक पॉइंट पे जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सबका सम 360 हुआ करता है, सबको ऐड करके 360 के ऊपर रख दें, ये 85 है ना, तो यह 85 प्लस का 25 प्लस का x प्लस का 90 प्लस 4x माइनस का 15 इक्वल टू 360। अब सोल्व कर लें, ये 5x हो जाएगा, 5x हो गया, ये 10 90 100 और 85, 100 और 85 185 इक्वल टू 360, यानी कि 5x इक्वल टू 360 माइनस का 185, ये 180 बचता, हाँ तो ये कम बचेगा, 75 बचेगा, 5 कम बचेगा, x इक्वल टू 175 बटे 5, 5 किया 15, 2 बजे 5 पच्चीस, x इक्वल टू आ जाएगा 35 फंस।